सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव पद से दिए इस्तीफे के बाद इस बात को लेकर सियासत गर्मा गई है कि क्या अब वह समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा देने जा रही हैं? क्या इस्तीफा देकर अपनी पुरानी पार्टी रही बसपा में वह वापसी करेंगे, यानी क्या घर वापसी करते नजर आएंगे? सवाल कई सारे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने समय समय पर इन सवालों के जवाब भी दिए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार नहीं है जिनको लेकर चर्चा हो रही हो कि पाला बदल सकते हैं। इससे पहले वे जनता दल की बात कर ले, फिर बसपा में आए, बसपा से भाजपा में आए, भाजपा से सपा में आए, तो लगातार ये अपने पदों के लिए पाले बदलते रहे, लेकिन जब भी किसी पार्टी में गए तो वहां पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। लेकिन जो जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी में नहीं मिली मायावती के नेतृत्व में, वह सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी। वहीं से कहीं ना कहीं इनके नामों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी। मायावती के साथ संघर्ष की लड़ाई लड़ते नजर आए थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में अपनी तोहिन होते देख स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। चर्चा इस बात की, जब पार्टी में इतनी इनकी तहजीब नहीं है, इनको इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना ये समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे दें। अब ये बात जब उठी है तो सवाल यही आता है कि इस्तीफा दे देंगे तो कहां जाएंगे? क्या खुद की ही पार्टी की ओर देखेंगे या फिर भाजपा या बसपा में जाएंगे? अगर हम बात करें इनके फैसले की, इनका फैसला क्या था, तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर इनकी नाराजगी अपने चरम पर थी, यानी कि जिन हालातों में ये बसपा छोड़कर आए थे वहां से तो इनका 36 का आंकड़ा बनता चला गया। और समय समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मायावती ने भी काफी तंज भरे लहजे में इनके खिलाफ बयानबाजी करी है। जब भी कोई बयानबाजी ये करते थे किसी भी हिंदू देवी देवताओं या धर्म के लेकर या ज्ञानवापी को लेकर, तो मायावती कहती थी कि घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, यानी ये बात है कि मायावती तो इनके खिलाफ नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ मायावती के ही बड़े नेताओं का यह कहना था कि जो हमारे साथ ही पुराने नेता थे जो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, अगर वो कल को वापस भी आते तो उन पर क्या ही भरोसा करे, क्योंकि उन्होंने दल बदला है, तो ऐसे दल बदलों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले की, क्या वे मायावती के समर्थन में है, तो मायावती के समर्थन में बिल्कुल है। मायावती एक बड़ी सम्माननीय नेता है और उनका वे काफी मान सम्मान करते हैं। इसी को ध्यान में कर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के खिलाफ जल्दी कोई बयानबाजी नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर मायावती की तरफ से बयानबाजी होती है तो वो पलटवार जोर करने से भी पीछे नहीं हटते। तो यह बात साफ है कि मायावती की बसपा में जाने को लेकर शायद सोच विचार ना करें, लेकिन भाजपा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इनकी बेटी वहां पर संगमित्रा मौर्य है। अगर वहां जाएंगे तो बेटी को भी आगे बढ़ाने का काम होगा और पार्टी भी इनको बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो इन्होंने बयान दिए थे उसके बाद भाजपा इन्हें स्वीकार करेगी या नहीं करेगी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तो इनका यह फैसला है कि यह समाजवादी पार्टी में रहकर ही बिना किसी पद के काम करते रहेंगे, लेकिन कब तक, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा।